सर गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार टेलीकॉम काउंटर्स पर भी समझना चाहेंगे सर, क्योंकि पिछले पूरा हफ्ता जो है आप देखिए वोडाफोन आइडिया इंडस्टार ये सभी खबरों में भी थे, पर अब जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, एक केपेक्स अनाउंसमेंट आया है वोडाफोन की तरफ से, इंडस टावर्स पे कुछ एक ब्रोकरेजेस अब पॉजिटिव हैं, ये भी कह रहे हैं कि इस गिरावट में ये मौका ना गवाइए और इसमें फिर से आप खरीदारी के मौके ढूंढें। आपकी क्या व्यू है और इसमें कैसे प्ले करें अभी फिलहाल? क्या आपको भी लगता है कि अच्छे मौके हैं यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने के, या जिन्होंने पहले अगर ऊपरी स्तरों पे बाय किया है तो क्या अभी भी वो थोड़े से और शेयर्स खरीद सकते हैं? सृष्टि, आपको और सभी दर्शकों को और सभी लोगों को हमारा भी नमस्कार और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए सृष्टि, पिछले हफ्ते जो घटना हुई उसको लेकर के अनिश्चितता के वातावरण बहुत जल्द तारीख को यहाँ से विलुप्त होते हुए नजर आएंगे ऐसा तो नहीं लगा, खास करके वोडाफोन आइडिया के लेके। हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो ऑर्डर पास किया है एजीआर को लेकर के, वहां पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं उठेगा, क्योंकि अब ये निर्णायक तौर पर हो चुका है और ये इतिहास हो चुका है। क्या इसको लेकर के छोटी मध्यम अवधि में परिस्थिति थोड़ी बहुत नकारात्मक हो सकती है? तो संभव है, हो सकता है ऐसा, खास करके वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है सबसे कमजोर कड़ी पूरी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र है उसमें। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले, आई थिंक एफपीओ आया था 11 रुपए पे, कल रिकवरी के बाद 10.5 के आसपास बंद हुआ है। तो एक मौका है जिनके पास 2, 2.5, 3 साल का नजरिया है सृष्टि, और ये मौका उनको मैं बोल रहा हूं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से आप भारतीय एयरटेल, भारतीय एग्जाकॉम या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है, उसमें निवेश करके आप संतुष्ट रहे। लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और नजरिया 2, 2.5, 3 साल का है, ये इसलिए इतना लंबा समय बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के लिए सृष्टि, क्योंकि परिस्थिति से उभरने के लिए समय लगेगा। और दूसरी बात, जो माइग्रेशन करना है 4G से 5G, वहां पर भी मेरे ख्याल से उनको थोड़ा समय लगेगा। उसके साथ साथ महीने दर महीने वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो अपने उपभोक्ता जोड़ते नहीं है लेकिन गवाते हैं, तो ये परिस्थिति मेरे ख्याल से बहुत जल्द दूर नहीं है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेट के लिहाज से आप इसको देखें, 2-2.5 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। देखिए 10.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, जो हाल फिलहाल कंपनी ने एफपीओ लाया था 11 रुपये पे, उसके भी नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, पर लंबे समय के लिए आप यहाँ पे नज़रिया ज़रूर बना सकते हैं।